हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रलोक कुमार। और आप ये थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि ये हमारा साउथ फेसिंग का घर है। और ये इसका जो साइज़ है प्लॉट का, वो 18 फीट बाई 46 फीट का है दोस्तों। और दोस्तों, इस प्लॉट के बारे में, इस नक्शे के बारे में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि इस नक्शे को किस तरीके से बनाया गया है और इसमें कैसे कैसे ध्यान रखा गया, और इसमें वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखा गया है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अदरवाइज़ अगर आप हमसे अपना घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ इस प्लॉट के और इस नक्शे के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त चंद्रलोक कुमार, और आपको मेरे चैनल एस के बिल्डिंग डिजाइन स्टूडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक और बेहतरीन प्लान लेकर के आया हूँ, जो कि साउथ फेसिंग का प्लान है दोस्तों। और ये हमारे एक मित्र हैं, उन्हीं का मैंने एक घर का नक्शा बनाया था। और दोस्तों, उनका प्लॉट काफ़ी छोटा था, 1000 स्क्वायर फीट से भी कम था। तो इसी में उनको 2 BHK का एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा नक्शा हमने डिज़ाइन करके दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपने प्लॉट पे भी हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपका घर का नक्शा तैयार करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले इस प्लॉट के बारे में। तो इस प्लॉट का जो डायमेंशन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्लॉट का जो डायमेंशन है फ्रंट साइड में 18 फीट 10 इंच है, और इसका ईस्ट साइड में 46 फीट 5 इंच है, एंड वेस्ट साइड में 45 फीट 6 इंच है, एंड बैक साइड में 18 फीट 6 इंच है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें वेंटिलेशन पर्पज़ से भी कुछ कुछ पोर्शन छोड़ा गया था, जो कि बैक साइड से आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने लगभग 1 फीट 5 इंच के करीब छोड़ दिया है, और इधर से लगभग 6 इंच के करीब छोड़ दिया है, 6 इंच के करीब छोड़ दिया है, ताकि वेंटिलेशन हमारा विंडो में और किचन में दोनों में प्रॉपर आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट की बात करूं, तो यहाँ पे फ्रंट में हमने लगभग 3 फीट 6 इंच के करीब जगह छोड़ रखा है, ताकि हमारा यहाँ पे रैंप वगैरह या लैंडिंग पोर्शन जो स्टेयर का है, वो थोड़ा डिज़ाइन वगैरह आगे में बन सके। और थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्रीनरी एरिया छोटा सा गार्डन टाइप का भी हम पेड़ पौधा यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे पास जगह है, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा प्रोजेक्शन एरिया और बालकोनी में कवर कर जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से एंट्री करते हैं दोस्तों, हमारा साउथ साइड से एंट्री है, जैसे ही एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमको एक बरामदा और एक सीट आउट एरिया मिल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक सोफ़ा का अरेंजमेंट करके बताया है, और इसमें इसका जो साइज है आप देख सकते हैं, इसका जो साइज है वो 11 फीट 3 इंच बाई 7 फीट का है दोस्तों, 11 फीट 3 इंच बाई 7 फीट का है, और ये काफ़ी अच्छा है और साइज में भी बेहतर है। इसमें आसानी से 3-4-5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, इस जगह की कोई कमी नहीं होगी, और सोफ़ा के बाद भी हमारे पास इतना स्पेस रहेगा, ताकि हम फ्रीली अपने घर के अंदर जा सकें। और दोस्तों, जैसे ही हम अपने घर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो पोर्शन मिलता है, वो हमारा डाइनिंग एरिया का मिलता है दोस्तों। आप इसको डाइनिंग में ले लीजिए, अदरवाइज लिविंग में ले लीजिए, जैसा आप इसको मन करे वैसा आप अदरवाइज सेम सोफ़ा को आप इस साइड भी अपने घर में लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो एरिया है, वो भी 11 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 5 इंच का है दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज का एरिया है, कम ज़मीन में इतना बेहतर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और इसी से डाइनिंग से अटैच हमारा यहाँ पे एक स्टेयर एरिया है, जो कि देख सकते हैं आप, हमारा डाइनिंग वाला पोर्शन भी, डाइनिंग का आदमी भी इधर से आ सकता है, और बाहर का लोग है तो बाहर का लोग भी आसानी से इधर से आ सकता है। और इन फ्यूचर अदरवाइज हम ये वॉल को अगर रिमूव करते हैं, तो दोस्तों हमारा बरामदा का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा बरामदा का साइज हमारा बन जाएगा दोस्तों। मैं आपको स्केच करके बता देता हूँ, ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है, ये टोटल का टोटल बरामदा का पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो इसमें बरामदा का साइज भी बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद डाइनिंग एरिया से जैसे ही एक देखते हैं, तो हमारा एक दूसरा है, ये टॉयलेट एरिया दोस्तों देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, 6 फीट बाई 5 फीट 8 इंच का है, और इसका जो वेंटिलेशन पोर्शन है, वो हम स्टेयर के साइड से दे देंगे, ताकि इसमें वेंटिलेशन का कोई समस्या ही ना रहे। और दोस्तों, उसके बाद अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद ये हमारा एक पैसेज एरिया मिल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा ये पैसेज एरिया है, जो कि हमको किचन और दोनों रूम के तरफ लेके जाएगी, और इसका जो साइज है आप देख सकते हैं, 6 फीट 2 इंच का पैसेज हमारा है। आप इसमें आसानी से टाइल्स वगैरह लगा करके इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट वगैरह करवा सकते हैं।
और इसी पैसे से एक एरिया हमारा इधर आ जाती है जो कि हमारा बेडरूम नंबर वन है। ये बेडरूम नंबर वन है, इसको थोड़ा छोटा बनाया गया है ताकि मास्टर वाला अंदर है, और इसको एक छोटा बनाया गया है ताकि इसको गेस्ट या किसी दूसरे पर्पज़ से, बच्चे के पर्पज़ से इस्तेमाल हो सके। और इसका जो साइज़ है दोस्तों देख सकते हैं 11 फीट बाई 9 इंच का है। और इसका जो वेंटिलेशन पोर्शन है, क्योंकि इस साइड में गवर्नमेंट का ज़मीन था इसलिए यहाँ पे वेंटिलेशन पोर्शन हमने दे रखा है ताकि अपना खिड़की वगैरह लगा के वेंटिलेशन ले सके। और दोस्तों उसके बाद जस्ट जैसे ही पैसेज से आगे जाते तो ये हमारा बेडरूम नंबर दो हो जाएगा। और इसका जो साइज है 11 फीट बाई 13 फीट का, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का है। बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाएगी, डबल डबल बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाएगी, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही आते हैं तो हमारा लास्ट पोर्शन है ये हमारा, ये किचन का एरिया बच जाएगा जो कि 9 फीट बाई 6 फीट 2 इंच का है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज का है। और इसमें हमने स्लैब का भी पोजीशन लगा करके दिखा रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये स्लैब का एरिया रहेगा और इसी से वेंटिलेशन हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बैक साइड से थोड़ा सा ज़मीन छोड़ रखा है ताकि अपना वेंटिलेशन दे सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये 2 BHK का प्लान, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे अपने घर अपने लिए अपना घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारा कांटेक्ट यहाँ भी दिख जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।